आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां विधानसभा के बाहर महिला ने किया है आत्मदाह का प्रयास। विधानसभा के नंबर एक के बाहर आत्मदाह का प्रयास किया है एक महिला ने। महिला ने किया है आपदा का प्रयास विधानसभा गेट नंबर एक के सामने। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने महिला को रोका। महिला को पकड़कर पुलिस कर रही है पूछताछ। हजरतगंज थाना क्षेत्र के विधानसभा गेट नंबर एक की है ये पूरी घटना। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां विधानसभा के गेट नंबर एक के बाहर एक महिला ने किया है आपदा का प्रयास। जहां विधानसभा गेट नंबर एक के बाहर आपदा का प्रयास करते हुए पुलिसकर्मियों ने महिला को रोका। महिला ने किया आपदा का प्रयास। लखनऊ से इस वक्त की अगली बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर जैनेन्द्र यादव के घर पर इनकम टैक्स का छापा। कई फाइल हाथ में लेकर निकली है इनकम टैक्स की टीम। टीम के तीन सदस्य ज्ञानेन्द्र यादव के घर से बाहर निकले। कुछ पुलिसकर्मी भी मौके पर मौजूद रहे। जैनेन्द्र यादव के आवास पर पुलिसकर्मी अभी भी मौजूद हैं, जहां कारोबारी राहुल भसीन के महानगर के घर पर पड़ा है छापा। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां पर जैनेन्द्र यादव के घर पर पड़ा है इनकम टैक्स का छापा। जहां कई फाइल हाथ में लेकर निकली है इनकम टैक्स की टीम। टीम के तीन सदस्य जैनेन्द्र यादव के घर से बाहर निकले। कुछ पुलिसकर्मी भी मौके पर रहे हैं मौजूद। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, जैनेन्द्र यादव के आवास पर पुलिसकर्मी अभी भी मौजूद हैं, जहां पर लगातार इनकम टैक्स का छापा चल रहा है। कारोबारी राहुल भसीन के महानगर के घर के बाहर का है ये पूरा मामला। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। सपा प्रवक्ता आईपी सिंह ने किया है ट्वीट। इस वक्त की बड़ी खबर, ट्वीट कर आईपी सिंह ने साधा है निशाना। चुनावी कार्यवाही में ना डरे ना डरेंगे, जितना अधिक अत्याचार होगा साइकिल की रफ्तार बढ़ेगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां पर सपा प्रवक्ता आईपी सिंह ने ट्वीट कर कहा कि आईपी सिंह ने साधा है निशाना। ट्वीट कर साधा है निशाना, चुनावी कार्यवाहियों से ना डरे हैं ना डरेंगे, आईपी सिंह ने कहा। जितना अधिक अत्याचार होगा साइकिल की रफ्तार उतनी ही बढ़ती जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां सपा प्रवक्ता आईपी सिंह ने ट्वीट कर कहा है, ट्वीट कर निशाना साधा है आईपी सिंह ने। जहां चुनावी कार्यवाहियों से ना डरे हैं ना डरेंगे, आईपी सिंह ने कहा। जितना अधिक अत्याचार होगा साइकिल की रफ्तार उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी। रायबरेली से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर सपा कार्यकर्ताओं की गुंडई आई है सामने। बीच सड़क पर युवक को किया है लहूलुहान। विजय रथ यात्रा के दौरान युवक को बुरी तरह से पीटा। एक युवक को कई सपाइयों ने मिलकर जमकर पीटा। पीट पीट कर किया है अधमरा, युवक हुआ है बेहोश। बेहोशी की हालत में सड़क पर पड़ा रहा युवक। नगर कोतवाली क्षेत्र के बरगद चौराहे के पास का है ये पूरा मामला। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको रायबरेली से बता रहे हैं, जहां रायबरेली से इस वक्त की बड़ी खबर बताई जा रही है, जहां सपा कार्यकर्ताओं की गुंडई आई है सामने, जहां पे उन्होंने एक युवक को बीच सड़क पर किया है लहूलुहान। विजय रथ यात्रा के दौरान युवक को बुरी तरह से पीटा गया, जिसकी वजह से वो लहूलुहान हुआ है। एक युवक को कई सपाइयों ने मिलकर जमकर पीटा। पीट पीट कर किया है युवक को अधमरा, युवक हुआ है बेहोश। बेहोशी की हालत में सड़क पर पड़ा रहा युवक। नगर कोतवाली क्षेत्र के बरगद चौराहे का है ये पूरा मामला। कुछ बाल पुष्प
आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।